अभी बज रहे 8, ट्रेन का टाइम था 7:15 बजे का और ट्रेन जो है वो 4 घंटा लेट है, यानी कि मेरा जो ट्रेन है वो आएगा 12 बजे। सुबह हुआ, पता चला भाई ये जो ट्रेन है वो 2.5 घंटा लेट चल रहा है। उतरता हूँ जो शालीमार से पहले वाला स्टेशन, तो वहाँ पर उतर के मैं जाऊँगा हावड़ा। ₹10 का एक बेले, भाई साहब को बना के देते। तो ये जो थी वो लोकल ट्रेन थी यहाँ की। 17-18 दिन के बाद जो है इस ट्रेन का फील ले रहा हूँ। सुकेम छो गाइस, आज है मेरी इस 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का 17वां दिन और मैं हूँ फिलहाल उड़ीसा में और अभी फिलहाल स्टेशन आया है भद्रक। और ये जो ट्रेन है वो 2.5 घंटा लेट, 2.5 से 3 घंटा लेट है ट्रेन। कल मैं बैठा था विजयवाड़ा से, विजयवाड़ा में भी 1 घंटा लेट आया ट्रेन। 2 बजे का टाइम था, 3 बजे ट्रेन आया। वहाँ से बैठा, पता चला कि ये भी जो ट्रेन है, चलते चलते गया, रात तक अच्छे से जा रहा था। फिर उसके बाद सुबह हुआ, पता चला भाई ये जो ट्रेन है वो 2.5 घंटा लेट चल रहा है। मेरा जो ट्रेन था हावड़ा से झारखंड जाने के लिए, जसीदी जंक्शन करके एक स्टेशन है झारखंड में, तो वहाँ पर जाना था। तो उसके लिए इसके बाद ही जो नेक्स्ट ट्रेन था 1 घंटे बाद, तो नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मेरा जो टिकट है वो कंफर्म टिकट है, वो मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा, कुछ तो पैसा आएगा। तो वहाँ से मुझे जाना होगा हावड़ा स्टेशन। ये मैं किधर शालीमार उतरूँ कि फिर सतरागाछी उतरता हूँ जो शालीमार से पहले वाला स्टेशन, तो वहाँ पर उतर के मैं जाऊँगा हावड़ा। और हावड़ा से 7:15 बजे का ट्रेन है, तो ये ट्रेन को जाते जाते सतरागाछी कितना 4 बज जाएगा। बट वो ट्रेन था मेरा हावड़ा से 4:15 बजे का, मिलने वाला है नहीं, तो अभी वेट ही करना पड़ेगा वहाँ पर स्टेशन पर जाकर ही। और वहाँ से भी मेरे को जो जनरल टिकट निकालना पड़ेगा, कंफर्म टिकट था, नहीं जा पा रहा हूँ, कैंसिल करना पड़ेगा। अभी कितना परसेंट वापस देगा पता नहीं, सरकार लूटने बैठी है सबको। तो देखते हैं। अभी बज रहा है सुबह के 10:30। मैंने कुछ नाश्ता बोले तो पूरी भाजी खाया था, यहाँ पर आया था, 50 रुपीज़ का था, जिसमें 5-6 पूरी था और भाजी था। और कैश जो है ख़त्म हो गया, मैं कल एक्चुअली ATM से निकालना भूल गया। अभी तो यहाँ से किसी से 100-200 रुपया लेके उसको गूगल पे करना पड़ेगा, तो देखते क्या होता है। फिलहाल बैठा हूँ, वीडियो पे एडिट करना है थोड़ा सा, तो थोड़ा देर बैठता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। तो वहाँ ऊपर है मेरा सीट और यहाँ पर कल पूरा ग्रुप बैठा था, वहाँ पर इतना सामान रखा था ये लोग ने यहाँ पर। और कल ये 3 बंदे लोग थे मेरे साथ, ये जो यहाँ पर बैठे 3 बंदे। तो यहाँ ट्रेन में जो है खाने के लिए बहुत कुछ आता है, पर ज़्यादातर तो नॉनवेज में बहुत ज़्यादा देखा, अंडा, चिकन, मच्छी विच्छी। रात को अगर आपको खाना है लंच में, डिनर में, तो जो है आपको मच्छी, चिकन, अंडा, बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, तो मैं सारी चीज़ें नहीं खा रहा हूँ। मैंने कल जो है वेज थाली खाई थी, जैसे कि आपको दिखाया मैंने। और फिलहाल जो है यहाँ पर एक अंडा वाला है, बॉयल अंडा, तो मस्त मसाला वसा डाल के देता है। खाने का बहुत मन कर रहा है बट नहीं खा सकता फिलहाल मैं नॉनवेज। तो गाइस फिलहाल बज रहे दोपहर के 2:45 और 1 घंटा पहुंचने के लिए स्टेशन, वो भी शालीमार स्टेशन से 1 स्टेशन पहले उतरना है मेरे को। शालीमार जाऊंगा तो 6 बज जाएगा। और कौन सा स्टेशन बोले, संतरागाछी करके एक स्टेशन है, तो वहाँ पर उतरना है मेरे को। तो वहाँ पहुँचते 4-4:30 हो जाएगा। फिलहाल बज रहे 2:45 और ट्रेन जो एकदम स्लो जा रहा है। मेरे को 3:30 बजे तक भी पहुँचा देता तो मैं शालीमार अपना संतरागाछी से जो है लोकल ट्रेन पकड़ के हावड़ा चले जाता था। वहाँ पर एक ही स्टेशन है, तो 5 से 10 मिनट में पहुँच जाता था, बट वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी मेरे को जो है हावड़ा से 7:45 बजे का जो ट्रेन है उसमें जाना पड़ेगा जनरल टिकट निकाल के। मतलब बहुत बड़ा सीन हो गया, मेरे को पता नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे को इसके बारे में कि लेट, ये ट्रेन जो है लेट होती है। अगर पता रहता तो उसके 4:45 का नहीं, आगे 7-8 बजे का ट्रेन जो बुक करता था। बट ठीक है, अभी जो हुआ वो हुआ। ये वाले ट्रेन में 4 बंदे लोग मिलते, उसमें से 3 बंदे लोग तो चले गए, बट यहाँ पर एक और
भाई है जो मुझे मिले, तो उनसे बात करते करते थोड़ा सा टाइम पास हो गया। तो ये हो भाई। हाँ। तो ये भाई कोलकाता में रहते हैं, काम विजयवाड़ा में करते हैं। तो ये भाई मुझे मिले यहाँ पर, तो उनसे बात करते करते थोड़ा टाइम पास हो गया मेरा। तो नहीं साथ चलेंगे सतरागाछी। हाँ सतरागाछी अभी उतरने वाले, मैं भी उतरूंगा और ये थोड़ा सा गाइड कर देगा मुझे कि कहाँ से जाना है हावड़ा। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो मिलते सीधा सतरागाछी, संतरागाछी स्टेशन पे। तो भी बज रहे शाम के 4:30 और यहाँ एक स्टेशन पे रुका हुआ है जिसका स्टेशन का नाम है बावड़िया। तो यहाँ पर जो है आधे घंटे से ट्रेन खड़ा है, तो अभी मुझे नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना ही है। तो सतरागाछी से मैं हावड़ा चले जाऊँगा बस में, ऑटो में। तो वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है और हावड़ा के लिए जो मैंने दूसरा ट्रेन बुक कर डाला है जो 7:15 बजे का है, और मुझे वो जसीडी जंक्शन रात को 11:30 बजे तक जो है उतार देगा। आई होप कि वो भी जो ट्रेन है वो लेट ना हो। तो ये जो थी वो लोकल ट्रेन थी यहाँ की, तो उसमें भी मैं हावड़ा जा सकता था, बट ये जो है सारा स्टेशन करके रहते आएगी वही टाइम हो जाएगा। और लिखा भी है लास्ट वहाँ पे ट्रेन पे हावड़ा। तो मैं खा रहा हूँ यहाँ की कुछ सेव वाली भेल है, इसमें कुरमुरा नहीं रहता, सिर्फ सेव है। थोड़ा अभी भूख लग गया तो खा लेते कुछ, 10 रुपये का एक भेल है। देखो ऐसा आपको बना के देते। उधर ट्रेन आया अभी, सो फाइनली जो है पहुंच गए सतरागाछी, संतरागाछी ना नाम भूल जा रहा हूँ मैं ऐसे स्टेशन का, संतरागाछी करके नाम है। तो वहाँ पर पहुंच गया और अभी बज रहे 6:45 और 6 बजे का कुछ यहाँ से लोकल है हावड़ा के लिए। तो अभी जो है मुझे यहाँ से लोकल ट्रेन का जो है टिकट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जा सकता हूँ। इस गाड़ी में शालीमार जा सकता था लेकिन कोई भरोसा नहीं इसका कि हावड़ा से जो मुझे ट्रेन पकड़ना है। तो देखते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर कहाँ पर है। तो टिकट काउंटर से टिकट लेके 4 और 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो मेरा जो ट्रेन था वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आया था और 4 और 5 नंबर जो है बहुत ही लंबा था, ब्रिज चढ़ के आए। तो फिर ट्रेन अब तक आया नहीं है, अभी 4 नंबर पे आएगा कि 5 नंबर पे पता नहीं, बट बोल रहे कि 5 नंबर पे आएगा, तो वेट कर रहा हूँ यहाँ पर ही। तो देखते कभी ट्रेन आता है। तो 6 बजे तो भी टेंशन नहीं है, वो जो ट्रेन है वो 7:30 का है तो वो ट्रेन मिल जाएगा। और यहाँ से एक से दो स्टेशन ही है और टिकट का जो कॉस्ट है यहाँ इस स्टेशन से हावड़ा का 5 रुपीज़ पर पर्सन है। तो फाइनली जो है ट्रेन में बैठ गए और ये जो लोकल ट्रेन है सेम अपना मुंबई का फील दे रही है। तो आज से कुछ 17-18 दिन के बाद जो है इस ट्रेन का फील ले रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सच में ऐसा लग रहा है मुंबई में घूम रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। और यहाँ से कुछ सतरागाछी से कुछ 4 स्टेशन है हावड़ा स्टेशन। तो 10-15 मिनट लगेगा क्या हावड़ा जाने को? कम लग गया, 10 मिनट लग गया। तो 10 मिनट लगेगा जाने के लिए। तो सीधा मिलते अभी सीधा हावड़ा स्टेशन पे। और अभी बज रहे 6:10, अभी और 1 घंटा है ट्रेन के लिए, तो थोड़ा सा रिलीफ है कि ट्रेन मिल जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर भी जो हावड़ा लास्ट स्टेशन है, तो मुंबई में जो जब मैं विरार आता हूँ तभी भी जो है यही सीन होता है कि स्टेशन कौन सी साइड आएगा। चलो उधर अभी स्टेशन अभी वो साइड आ गया। अरे बाप रे यार, अरे रे रे लग गाड़ी देख रहे हो कितना है। तो मेरा ट्रेन जो कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है देखना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म इतना नीचे था देख रहे हो। तो पहुंच गया हावड़ा स्टेशन पे और मैं फिलहाल हूँ 19 नंबर के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे टोटल कितने प्लेटफॉर्म पता नहीं, तो मैं जो प्लेटफॉर्म बैठा वो 19 नंबर का प्लेटफॉर्म है और मुझे जाना यहाँ से 9 नंबर के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर मेरा ट्रेन आने वाला है। ट्रेन है 7:15 19 मिनट का है ट्रेन, वो आएगा 9 नंबर पे, वो ऐप में देखा मैंने।
तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते, और मेरे साथ ये भाई है कमलेश यादव, तो ये जा रहे हैं अपना गोरखपुर। तो इनका भी जो आज 2 से 3 ट्रेन मिस हो गया, ये ट्रेन के वैसे भी उनका एक ट्रेन मिस हो गया ना। अब इनका ट्रेन है 9:45 का और ये जाएंगे स्लीपर में, उनके पास टिकट नहीं है, कैसे जाएंगे पता नहीं। जैसे कि मैंने ट्रैवल किया था 12 घंटा, मेरे को पता मैंने कैसे ट्रैवल किया था, ठीक है मेरे को 12 घंटा ही करना था, बट इनको तो 20 घंटा ट्रैवल करना है। तो गाइस मेरा जो ट्रेन है वो 9 नंबर पे आने वाला था, और अभी बज रहे 8, ट्रेन का टाइम था 7:15 का, और ट्रेन जो है वो 4 घंटा लेट है, यानी कि मेरा जो ट्रेन है वो आएगा 12 बजे। अभी ऐसा लग रहा है मैंने क्यों टिकट बुक किया, कि अभी जो 8:30 वाला जो ट्रेन है वो अभी आ रहा है, वो भी जाने वाला है जसीडी जंक्शन, नहीं किया रहता तो इसमें चढ़ जाता था, वापस वो भी पैसा जाएगा और इसका भी अलग से पैसा जाएगा, तो 12 बजे तक वेट करना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ स्टेशन पर बैठा हूँ मैं, अब इतना दिमाग का शॉर्ट हो गया ना कि मतलब आज सीन पे सीन हो रहा है मेरे साथ। पहले भी एक ट्रेन जो आया वो भी लेट हुआ, और यहाँ पर और 4 घंटा लेट ट्रेन, क्या करो समझ में नहीं आ रहा है। नींद आ रहा है, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, 17 दिन की थकान है। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन आराम ही करूँ, कहीं पे घूमूँ नहीं, कहीं पे वीडियो बनाऊँ नहीं। और अभी जो ट्रेन आ रहा है वो 8:30 बजे का, वो भी जाने वाला है जसीडी। ऐसा दुख हो रहा है कि यार इसका टिकट निकाला रहता तो, बट टिकट ही नहीं निकाला रहता तो अच्छा पड़ता था, ये ट्रेन में चढ़ जाता था और 4-5 घंटे में पहुँच जाता जसीडी जंक्शन। बट ठीक है, अभी वेट कर लूँगा, अभी कोई घाई नहीं करना है, कोई ट्रेन का टिकट बुक नहीं करना है, बैठूँगा यहाँ पे ट्रेन का वेट करेंगे 12 बजे तक, और 12 बजे भी आए तो अच्छा है, कैंसिल ना होए भाई। वही होप कर रहा हूँ कि भाई, प्रे कर रहा हूँ कि वो गाड़ी कैंसिल ना हो। ठीक है, अभी थोड़ा वेट कर लेते। सो गाइज मैं एक्चुअली एक सीन जो है रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें मैं दिखा रहा था कि यहाँ पे जो एक ट्रेन आया, जहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पर 9 के यहाँ पे बैठा हुआ था, तो वहाँ पर ऐसा सीन हुआ कि ट्रेन आया और मैं बैठा था वहाँ पे जनरल डब्बा था, तो मैंने ऐसा सुना यहाँ पे कि जनरल डब्बा पर जो है लाइन लगता है, और लाइन से जो अंदर जाने देते, और जो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, ऐसा सुना मैंने, मुझे पक्का पता नहीं, कि वो पैसा लेते और जो लाइन में जो है जिस लोगों को पहले जाने देते, ऐसा मैंने सुना, कंफर्म मुझे पता नहीं। तो जस्ट वो मैंने रिकॉर्ड किया और पुलिस वाले ने देख लिया, तो उसने जो है मेरे से बोला कि वो लास्ट वाला फुटेज दिखा, अपने क्या शूट किया। बोला ठीक है, तो मैंने दिखाते वो सीन जो है वो डिलीट मार दिया, तो मुझे थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ रहा है, बेबी मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा छुप के कर रहा हूँ। ट्रेन का जो नंबर है और नाम है वो शो कर रहा है, और ट्रेन जो आएगा 11:55 पे, और मैंने इंक्वायरी किया तो बोला 1/2 घंटे पहले ट्रेन लगा देंगे। मतलब ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। अभी बज रहे रात के 8:30 बजे, और अभी 2.5 घंटा है, 2.5-3 घंटा भी मुझे बैठना है यहाँ पे स्टेशन पे, तो अभी ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा।